यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ये आईब्रो टैलॉन का कंसीलर ले, इंगलोट जेल आईलाइनर। और गाइस ये मतलब जेट ब्लैक है, आपने देखा होगा बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट इसे यूज करते हैं। लोअर लैश लाइन के क्लोज क्लोज इसको लगाएंगे, देन इसको हम ब्लेंड करेंगे, और ब्लेंड करते हुए हमें इसको आई लिड से ऊपर नहीं ले जाना है, इसके अंदर ही रखना है। ये वाला शेड लूँगी, ये वाला ऑरेंज शेड लेना है, क्रीज लाइन है ना, इसको हम वहाँ तक ब्लेंड करेंगे। कलर आपको एक बार में नहीं आएगा, आपको इसको बिल्डअप करना है। गाइस कभी भी आप मेकअप कर रहे हो ना, ब्लेंडिंग में आपको टाइम देना। दिस इज कनाडा का, इसको मैं अप्लाई करूंगी पहले अपर लैश लाइन पे, इस तरह से ब्लेंड करूंगी सब। मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, ये है मैबलिन का क्लोरी का पोर मिनिमाइजर, क्रायलॉन का ऑरेंज करेक्टर, आर्स का ब्लॉसम फाउंडेशन, और इसका नंबर है, मैं इसमें बफ ले रही हूँ 05। बस अपने इस तरह से फिंगर से अप्लाई कर लेंगे, टैप टैप करके। करने से पहले मैं अप्लाई करूँगी सूज ब्यूटी का लिप एंड चिक टिंट, इसके बाद मैं पैक का ये ब्यूटी डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और अच्छे से इनको ब्लेंड कर लूँगी। बाद में फेस पे कंटूर कर रही हूँ और मैं इसको भी इसी स्पंज से लूँगी। तो गाइस ब्लशर के लिए मैं ये ले रही हूँ हुड्डा ब्यूटी की 3D पैलेट से। एक्चुअली ये ब्लश एंड हाइलाइटर दोनों का काम करता है। फिर से मैबलिन का लूज पाउडर लूँगी, इसे सेट करूँगी आईज एरिया के आसपास। तो मैं पूरे फेस को पाउडर नहीं सेट करती हूँ क्योंकि मेरी फेस ऑलरेडी ड्राई है, तो मैं पूरे फेस पे अगर पाउडर लगाऊंगी तो वो और ड्राई दिखेगी। तो बस जहाँ जहाँ मुझे स्वेटिंग लगती है बस मैं वहीं अप्लाई करती हूँ। और ये है माई ग्लैम का हुकअप सेट, तो होप यू गाइस आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।